तो चलिए आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं MySQL में बने डेटाबेस के अंदर टेबल में। और यहाँ मैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, यहाँ मैंने एक बनाया है विंडोज़ का फॉर्म। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डेटा को कैसे फेच करना है, आज हम लोग देखेंगे कि डेटा को कैसे इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर टेबल में। पहले मैं आपको अपना डेटाबेस बता देता हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी ज़ेम सर्वर, और ज़ेम सर्वर के अंदर जो MySQL है उसका यूज़ कर रहा हूँ। पोर्ट मैंने जो यहाँ पर लिया है 3306 है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आवश्यकता आपको पड़ेगी। चलिए तो मैं आपको पहले टेबल बता देता हूँ अपनी। तो यहाँ मैंने एक लॉगिन नाम का एक डेटाबेस बना रखा है, और उसके अंदर हमारी एक टेबल मैंने बनाई है जिसका नाम है डेटा ग्रिड। और इस डेटा ग्रिड के अंदर मैंने दो फील्ड ली है, नेम और एनरोल। तो अब इस डेटा बेस में, इस टेबल के अंदर हमको डेटा इंसर्ट करना है इस फॉर्म से। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ कि दो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ये एक एग्जांपल है जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। आप फिर इसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं दो लेबल और बना देता हूँ जिससे थोड़ा ये अच्छा लगे। लेबल ये दो लेबल मैंने ले लिए हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिए हैं। एक कमांड बटन की आवश्यकता मुझे और पड़ेगी, तो यहाँ मैंने एक बटन और ले लिया है। तो ये हो गया। चलिए तो पहले मैं बटन का नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ सेव टू टेबल। जो नाम आपको रखना चाहिए वो रख सकते हैं आप। चलिए अगला है ये लेबल्स, इनके नेम में चेंज कर देता हूँ। नेम यानी कि इनका टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ। टेक्निकली अगर मैं नेम चेंज करूँगा तो इसका लेबल वन अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा सभी जगह प्रोग्रामिंग में। यहाँ मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया है एनरोलमेंट, और इधर इसको चेंज कर देता हूँ मैं, इस टेक्स्ट को कर देता हूँ मैं नेम यहाँ से। तो देखिए एक फॉर्म मेरा बन गया है। और अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इस सेव टू टेबल इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये जो डेटा इसके अंदर है ये हमारा उठ के कहाँ आ जाए, इस टेबल के अंदर आ जाए जो कि हमने बनाई है MySQL के अंदर। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। कमांड विंडो पर मैं आ जाता हूँ। आपको ये जो है हमारा पुराना कोड है जो मैंने फैच बटन पर लगाया था, और इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की, जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई है और जो कि मैंने सेव कर दी है। माई कॉन टू नाम के एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया। तो इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग सेम रहेगी एक डेटाबेस के लिए। तो अभी मैं डेटाबेस वही यूज़ कर रहा हूँ लॉगिन, और इसी डेटाबेस के अंदर टेबल दूसरी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन डेटाबेस मेरा चूंकि यही है, पोर्ट नंबर यही है, तो मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ यहाँ पर करने वाला हूँ। आ जाता हूँ मैं यहाँ डिज़ाइन पर, और मैं अब जो मेरा काम है वो इस बटन पर कोड करना है। इस बटन पर डबल क्लिक करके इस बटन के क्लिक इवेंट पर मैं कोड कुछ लिखने वाला हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक ट्राई और कैच ब्लॉक बनाऊँगा। तो पहले ट्राई कैच मैंने ट्राई ब्लॉक मैंने बना दिया, और इसके अंदर मैं अपनी क्वेरी लिखने वाला हूँ। एक वेरिएबल बनाऊँगा मैं स्ट्रिंग, और यहाँ मैं हमेशा की बात है कि क्वेरी या क्वेरी टू या जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो आपको पूरी की पूरी क्वेरी फिर रिपीट करना पड़ेगी। अगर आप चाहते कि वो पूरा लिखना ना पड़े, इस वेरिएबल का यूज़ करके आप इस वेरिएबल को सीधा उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेरी, और जहाँ हमारी क्वेरी इधर जो रहेगी वो हमारी रहेगी इंसर्ट की। तो इंसर्ट इनटू, और इंसर्ट इनटू के बाद हमेशा के लिए, हमेशा जैसे आप देखते हैं वो टेबल का नाम, तो यहाँ टेबल का नाम हमारा आएगा डेटा ग्रिड। टेबल का नेम है मेरा ये, आप जो भी टेबल का नाम लिखना चाहें, ये डेटा ग्रिड वन मैंने टेबल बनाई थी। उसके बाद इसके फील्ड कौन कौन सी है, नेम है और एनरोल है, जो फील्ड है हमारी डेटाबेस के अंदर उनके नाम मैं लिख देता हूँ। उसके बाद ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी वो हमको बताना पड़ेगा। लिखिए वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ जो हमारी आ रही हैं वो आ रही हैं टेक्स्ट बॉक्स से। तो यहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा, सॉरी पहले मैं सिंगल कोट, उसके बाद डबल कोट, उसके बाद प्लस लगाऊंगा, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, सॉरी ये क्या हुआ, डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद फिर से प्लस का साइन, और यहाँ पर डबल कोट सिंगल कोट, फिर कॉमा,
उसके बाद सिंगल कोट, डबल कोट, फिर प्लस, फिर हमारी जो दूसरी फील्ड है, वो दूसरी फील्ड हमारी टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, उसके बाद में प्लस, उसके बाद ये डबल, सिंगल, और हमारा ये हो चुका है। और उसके बाद मैं अपना ब्रैकेट कर देता हूँ बंद और इसे सेमी कॉलन से कर देता हूँ टर्मिनेट। आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में, नीचे देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। सबसे अच्छी बात सी शार्प की यहाँ पर है कि आप एरर, रियल टाइम एरर आपको दिखाई दे देते हैं। ये लिखा है एक्सपेक्टेड कैच और फाइनली, तो यहाँ हम कैच बॉक्स लाइन बनाएंगे, इसके लिए एरर दे रहा है ये, अभी मैंने नहीं बनाया इसलिए बोल रहा है। तो चलिए पहले मैं आप बना लेता हूँ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। यहाँ एसक्यूएल कनेक्शन थोड़े से चेंज रहेगा मेरे कोड में, पहले मुझे बनाना पड़ेगा माय एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो माय एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ, यहाँ पर कॉन वन बना देता हूँ और न्यू माय एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर हमारा आएगा जो हमने, जिसमें हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग डाली है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने पास की है, ये इस वेरिएबल में डाल दिया है। चाहो तो पूरा आप ये कनेक्शन स्ट्रिंग भी लिख सकते हो उसके अंदर, लेकिन हमने चूंकि वेरिएबल बना दिया है तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये माय कॉन टू यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक काम हमारा हो गया। दूसरा जो है हमारा, हमको कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा माय एसक्यूएल कमांड का। तो माय एसक्यूएल कमांड मैंने यूज़ कर ली है, और ये इसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कॉमन इज इक्वल टू न्यू माय एसक्यूएल कमांड, और कमांड के अंदर हम लोग पास कर देंगे ये, एक तो हमको क्वेरी लिखना पड़ेगी, तो यहाँ क्वेरी टू में हमारा ये सब लिखा हुआ है वो आ जाएगा, कॉमा यहाँ हमको कनेक्शन का नाम देना पड़ेगा। कनेक्शन का नाम कौन सा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, माय एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, तो हमारा है कॉन वन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, सेमीकॉलन लगा देता हूँ मैं, ये हमारा एक काम हो गया। इसके बाद मुझे अब चूँकि एक रीडर का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा हमको, तो रीडर का ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ माय एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट, डेटा रीडर, डेटा अडेप्टर का यूज़ अभी मैंने नहीं किया, डेटा रीडर का यूज़ कर रहा हूँ मैं इधर। डेटा अडेप्टर का यूज़ हमने किया था, डेटा अडेप्टर का यूज़ हमने जब हमको डेटा फैच करना हो वहाँ से, डेटाबेस या टेबल से डेटा फैच करके यहाँ लाना हो, तो डेटा अडेप्टर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं काम करूँगा रीडर का, कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत बार यहाँ पर, लोग रीडर की जगह अडेप्टर यूज़ कर जाते हैं। तो यहाँ मैं एसक्यूएल रीडर, और एसक्यूएल रीडर का यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने, तो RD1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। चलिए इज इक्वल टू न्यू माय एसक्यूएल डेटा रीडर, और डेटा रीडर के अंदर कुछ पास करना पड़ेगा क्या हमको, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है मुझसे, मुझे लग रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो रीडर का मैं एक वेरिएबल ये बना लेता हूँ। चलिए तो अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और ये कॉन वन इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। कनेक्शन जब तक ओपन नहीं होगा डेटा जाएगा नहीं, और कनेक्शन क्लोज होने के बाद डेटा फिर नहीं जाएगा। तो कनेक्शन अभी अपन ने ओपन कर दिया है, अब जो डेटा है वो जा सकता है। तो यहाँ पहले मैं रीडर का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, रीडर लेता हूँ, रीडर के अंदर माय कॉम, तो हमारा कमांड का ऑब्जेक्ट है कॉम वन, उसको तो लेता हूँ और एग्जीक्यूट करा देता हूँ रीडर को। तो ये एग्जीक्यूट रीडर हम लोग कर देते हैं, ओके। देखिए एग्जीक्यूट रीडर होता है और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है, मैं आपको इसमें तीनों चीज़ें बता देता हूँ। डॉट एग्जीक्यूट, देखिए एग्जीक्यूट रीडर है और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी है, तो ये दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ अगर मैंने जो कि रीडर, डेटा रीडर यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉन एग्जीक्यूट रीडर में इसमें यूज़ कर लेता हूँ इस फंक्शन को। चलिए अब चाहें तो आप एक मैसेज बॉक्स इसके अंदर डाल सकते हैं, हमारा काम हो गया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटा सेंड, या डेटा सेंड टू टेबल। चलिए ये हो गया हमारा काम। अच्छा अभी कनेक्शन को क्लोज हमको करना पड़ेगा, तो कॉन वन को ले लेता हूँ मैं और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब कनेक्शन क्लोज कर दिया, इसका मतलब फिर से वापस इसमें डेटा नहीं जा सकता।
एक चीज़ और कर सकते हैं, कनेक्शन क्लोज करने के बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये लिख देता हूँ, तो ये और टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक कर देता हूँ। तो अब ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और जो डेटा आपका चला जाएगा, डेटा जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स हैं वो दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा ये ट्राई के अंदर हमने ये सब चीज़ें लिख दी हैं। मैं कैच ब्लॉक और बना देता हूँ और कैच के अंदर हमको एक एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, ये मैंने बना दिया ई एक्स हमेशा की भांति। और अब कैच ब्लॉक को स्टार्ट करता हूँ मैं, और कैच में मैं एक एरर मैसेज डालने के लिए वो डाल देता हूँ कि मान लीजिए कोई कैच अगर कोई कहीं पर एक्सेप्शन आ जाता है तो ये उसको हैंडल कर लेगा। और ex डॉट मैसेज लिख दीजिए, चलिए मैसेज भी काम हो जाएगा और इसे बंद कर देता हूँ मैं। चलिए तो ये हमारा बनके अब ये तैयार हो गया है। देखते हैं कौन कौन सी एरर हैं इसके अंदर, कुछ अगर कोई मिस्टेक है तो उसको मैं दूर करता हूँ। मैसेज बॉक्स कैन नॉट बी यूज लाइक ए मेथड, कहाँ पर भाई? ओके डॉट शो नहीं लगाया मैंने, और ये ठीक है, अब मेथड ये बन जाएगी। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार इसको रन करके देखता हूँ, फिर देखते हैं क्या इसके अंदर डेटा जा रहा है। तो अभी ये चीज़ तो हम चला चुके थे, अभी हमको फोकस करना है सिर्फ इस पर। तो यहाँ मैं अपना नाम लिखता हूँ यशवंत पाठक, एनरोलमेंट नंबर लिख देता हूँ मैं CS01106 0। चलिए अभी मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये मैसेज तो आ गया है, डेटा सेंड टू टेबल। एक बार मैं डेटाबेस में भी जाके एक बार टैली करता हूँ कि क्या वास्तव में आया है इधर। ये मैंने रिफ्रेश किया, देख सकते हैं आप ये डेटा जो है वो टेबल में आ चुका है। तो ये अभी हमने MySQL की टेबल के अंदर जो कि हम लोग यूज़ कर रहे थे उसमें हमने डेटा सेंड कर दिया है। विजुअल स्टूडियो में C# के अंदर आप विंडोज़ बेस्ड जो फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में आप चाहें डेटाबेस में तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं, SQL सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। तो SQL सर्वर तो इसके अंदर आता ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो यूज़ कर रहे थे डेटाबेस ये कहीं और है, वो विजुअल स्टूडियो के अंदर नहीं है, एक हम तीसरा डेटाबेस यूज़ कर रहे थे। और क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई वेब एप्लीकेशन आपने बनाई है, उसमें आपने ये डेटाबेस MySQL का यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपने कोई विंडो एप्लीकेशन भी बनाया है उसमें भी आप चाहें तो वही सेम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक यूज़र है वो वेबसाइट यूज़ करता है तो भी उसका डेटा वहाँ से फैच कर सकते हैं या उसमें आप डेटा डलवा सकते हैं, उस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। और विंडो एप्लीकेशन में भी वही यूज़र अपने लॉगिन करके उसी टेबल को एक्सेस कर सकता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप सेम डेटाबेस की कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, या हम लोग कहें तो जो हमारा डेटा है उसको टेबल के अंदर हमको कैसे डालना है। और इसे आप चला के देखिए और जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।